मेरे मित्रों, क्या आपके मोबाइल पर स्नैक एम टूल वर्क नहीं करता या फिर एम ही वर्क नहीं करता, तो ये वीडियो तो आपके लिए है क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्नैक एम टूल का मोड एप्लीकेशन। एंड ये वाला एप्लीकेशन वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है एंड इसके अंदर आपको जो है देखने को मिलेगा वो 100% बार्गिंग होने वाला है एंड बहुत ही आसानी से आप एंड्रॉयड 13 और 14 के अंदर उसको चला सकती हो एंड साथ ही में आपको बिल्कुल फ्री मेडल मिलेगा। इसके लिए किसी भी तरीके का कोई पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बट अगर आप इसको अपने मोबाइल पर वर्किंग बनाना चाहते हो तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर आपने एक भी स्टेप को मिस कर दिया तो शायद ये आपके मोबाइल पर वर्क ना करें। मैं जिस स्टेप को बताने जा रहा हूँ ध्यान से उसको अप्लाई करने की कोशिश करें तो ठीक है। मैटर नंबर वन, आपके मोबाइल पर जो स्नैक एम टूल और कैरम बोल उसका डिलीट करना होगा। डिलीट करने के बाद किसी भी ब्राउज़र पर क्लिक करके आप सर्च बार पर लिख के कैरम बोल APK 15.6.0 डाउनलोड ये टैक्स आप ध्यान से टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आपको देखना है APK मिल वाला क्या वेबसाइट क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ऊपर खींचते रहना है। फिर खींचते आपको वो वर्जन 15.6.0 को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक दो सेकंड वेट करा के आपको फिर ऊपर उठाना है। उठाने के बाद डाउनलोड APK बंडल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड करा देगा। डाउनलोड डिटेल्स पर क्लिक करें तो डाउनलोड होते होते हम एक काम कर लेते हैं और एक क्या, चलिए मेरे साथ दिखाता हो आपको। जाना टेलीग्राम पर, आप तो टेलीग्राम तो है ही नहीं है तो डाउनलोड कर ले। फिर सर्च बार कर क्लिक करके आप मेरे चैनल का नाम लिखना जस्ट टेक्नोलॉजी का। 12,000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुके हैं। फिर ये वाला स्नैक एम टूल का मोड 1.1.0 वर्जन न्यू अपडेटेड वर्जन है, कहीं नहीं मिलेगा। डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना है। एंड्रॉइड 13 और 14 11 सबके लिए वर्केबल है। तो अब हम जाते हैं क्रोम पर क्योंकि हमने अधूरा छोड़ दिया था डाउनलोड को। अभी हम क्लिक करके डाउनलोड के ऑप्शन पर जाकर हम चेक करेंगे। तो डाउनलोड लगभग हो चुका है हमारा। तो होने के बाद देश हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो क्लिक करेंगे तो जटर्जीवट में तो यूज़ करता हूँ, आप फाइल मैनेजर पर इंस्टॉल कर सकते हो। फिर इंस्टॉल का प्रोसेस आपको नहीं दिखा गया कैसे इंस्टॉल हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो चुका है। फिर हमें जाना है स्नैक एम टूल पर। जाने के बाद वही प्रोसेस जो पुराना प्रोसेस था लगाने का, ऐसे ही लगा लो। उस पर कोई न्यू ट्रिक नहीं है, लगाने का वही तरीका है, सिर्फ एप्लीकेशन चेंज करना है। एंड्रॉइड 13, 14, 11 सब पर वर्केबल है। मैंने इस पर सब पर एक्सपेरिमेंट करके देखा। हमारे चैनल पर तो 14 के कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ मालूम है, क्या हुआ? क्या आपको वो तरीका चाहिए जिसके जरिए से मैंने कुछ ही महीनों में कंप्लीट कर लिया 14 के? हाँ, पर कैसे? इस वीडियो पर क्लिक करके देख लो। क्या इस वीडियो पर सब तरीका बता दिए? हाँ, इसी पर देख लो, क्लिक करो।